आज हमारे साथ राजीव रंजन सिंह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं और ईमानदारी से उन्होंने सरकारी जो पद था उनके बाद उनका या राजनीतिक पार्ट है, यानी उनका सोच है कि मैं भी राजनीति करूंगा। लेकिन सर, बात करते हैं कि अभी फिलहाल नया जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है जमशेदपुर महानगर में, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरे राज्य में, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष जब बदले थे तो बदलने के बाद पूरे राज्य में पुनर्गठन होना था, तो पूरे राज्य में पुनर्गठन हुआ है और उसी में कड़ी में जमशेदपुर में भी जिला अध्यक्ष नए बदले हैं। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से जो इनको नई दायित्व मिली है वो पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काम करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे, ये मेरा मानना है। सर, पूरे देश में पार्टी अब चुनाव मोड में चल चुकी है, चाहे आप कांग्रेस की बोलिए, चाहे किसी भी पार्टी के बोलिए, बीजेपी के बोलिए, हर जगह उन्होंने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए, प्रदेश में चेंजिंग कर रही है। तो इस बार की लोकसभा चुनाव पहली होगी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कितने लोकसभा टारगेट या कितने सीट में वह पूरी तरह कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम लोकसभा में कम से कम अधिक से अधिक सीट दे सकें, क्योंकि प्रदेश की मीटिंग में आप भी जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 14 की 14 सीटें जीतने के लिए अपना दावा कर रही है और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, हमको लगता है विगत 2-3 वर्षों से तैयारी कर रही है और सभी सीट के, चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बड़ा मेटिकुलसली प्लान करके, मैं चूँकि 6 महीना से पार्टी में हूँ तो मैं अपना जो मेरा अनुभव रहा है 6 महीने के बाद का, कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अभी विपक्ष की जो INDIA गठबंधन बनी है वो अभी तक सीट शेयरिंग भी नहीं कर पाई है और आपस में बिखर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव अभियान शुरू कर चुका है। इसके हर लोकसभा के लिए विस्तारक नियुक्त हो गए हैं, लोकसभा के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, लोकसभा के लिए सह प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। तो आप सोच के देखिए कि कितने जमीनी स्तर पर हर बूथ को सशक्त किया गया है, हर बूथ के प्रभारी नियुक्त हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, आप ऐसा नहीं सोचिए कि अगर चारों तरफ जीत रही है तो कोई हवा में तीर मार रही है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है और निश्चित रूप से अगर आप जमीनी स्तर पर काम करेंगे तो जनता आपको जरूर उसका रिवार्ड देगी। सर, देश में राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और इसका आगामी चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? देखिए, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस दिन के बाद से भारत एक नए कालखंड में प्रवेश किया है। नए कालखंड आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम को राष्ट्र से जोड़ा कि अब राम का अधिस्थापना तो हो गया, राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब इनसे हमको राष्ट्र निर्माण में सीखना है, और देव से उन्होंने देश को जोड़ा। आप सोचिए इसकी इसकी मीनिंग कितनी बड़ी है, इसके अंदर में कितनी बड़ी भावना छिपी हुई है कि जिस समय राम को आप राष्ट्र से जोड़ देंगे तो इसका मतलब हुआ कि राम का जो राम राज्य है, राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अगर हमारे नौजुवक राम को अपना आराध्य समझते हुए उनके पुरुषार्थ को अपने अंदर अगर ले आए तो भारत चूंकि एक जुआ देश है तो भारत का नव निर्माण होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो पूरे देश में राम आस्था के प्रतीक हैं। उस दिन आप देख रहे थे कि पूरे देश में दिवाली मन रही थी और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत एक नए कालखंड में प्रवेश किया है और भारत का इकोनॉमी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस इकोनॉमी को $1 मिलियन होने में 60 साल लग गए थे, 1 मिलियन से $2 मिलियन होने में, $2 ट्रिलियन होने में 14 साल लगे थे, फिर
$3 ट्रिलियन होने में 7 साल लगे थे, अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हर साल $1 ट्रिलियन बढ़ेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि 2030 तक भारत देश का इकोनॉमी $7 ट्रिलियन होगा। भारत देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सर, पूरी तरह जो हवा है आने वाले 2024 की, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, केंद्रीय नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता का एक तो अलग टाइप का जोश है, और जैसे लग रहा है कि मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वह 24 के कल एक तो फॉर्मेलिटी बाकी है, फिर वो अपनी पद को लेंगे। तो ऑलरेडी आप जीत रहे हैं, 3 राज्य में आपने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है भारतीय जनता पार्टी, फिर विपक्ष को टारगेट करके ईडी को क्यों किया जा रहा है? हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन जी हो गया, आपके दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हो गया, और बिहार में लालू प्रसाद जी यादव। यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल विपक्ष का है कि भारतीय जनता पार्टी जब सब कुछ है तो ईडी को बहाना लगाकर क्यों विपक्ष को परेशान किया जा रहा है? एक्चुअली पहला तो आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ है, भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं मानती है। जैसा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों को सुनते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को सुनते रहे हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष को कमज़ोर नहीं आकी है और विपक्ष को हमेशा सम्मान की है। इसीलिए ये कहना कि आप भारतीय जनता पार्टी ही सब कुछ है, ये उचित नहीं है। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ की देश की जनता सर्वोपरि है। वो जिसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी उनको चुनने का पूरा हक है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये सम्मान करती है। हम उन विपक्षियों की तरह नहीं है कि जीत गए तो ईवीएम बहुत अच्छा, हार गए तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में मैनेज कर लिया है। अब जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है कि आप ईडी से क्यों लोगों को परेशान करवा रहे हैं, तो अब आप सोचिए कि आप अगर इस देश में भ्रष्टाचार करेंगे और इस देश में जो कानून भ्रष्टाचार के लिए बनी हुई है उसको अनुपालन कराने वाली जो एजेंसियां हैं वो अगर आप पर कार्रवाई करेंगी तो आप इसमें भाजपा को दोष देंगे, तो ये कहाँ तक उचित है? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, कानून का सम्मान करना चाहिए। आप कानून के दायरे में अपना बयान दीजिए, जब सम्मान जाए तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और ये हर व्यक्ति को दिमाग में होना चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल जो राइट्स है उसमें ये बिल्कुल मेंशन्ड है कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ। तो कानून की इम्यूनिटी नहीं है किसी को पद के अनुसार, तो अगर आप कानून के नज़र में बराबर हैं तो आप कानून को फेस करना पड़ेगा आपको, और हर आदमी को उसके कर्मों की सज़ा मिलती है। ये तो हम लोगों का सनातन धर्म का बिल्कुल फंडामेंटल लॉजिक है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे भगवान। बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अचानक रातों रात पाला बदल लिए, क्या कारण था? कल तक वो तेजस्वी एनडीए में थे, इंडिया पार्टी में थे, और उसके बाद एनडीए में चल गए। राजनीति का वह स्तर कहाँ जा रहा है? कल तक आपकी पार्टी उनको बोलते थे कि हम नहीं लेंगे समर्थन, लेकिन आज उनके साथ सरकार में है, क्यों ऐसे हुआ? देखिए, हम जनता दल यू के प्रवक्ता तो नहीं है, ये तो बेहतर हो कि उन्हीं को बोलना चाहिए कि क्यों आए। हाँ, ये भाजपा उनको अगर स्वागत की है तो इसमें हमारा सनातन धर्म है कि शरणागत में जो आएगा उसको आप स्वागत करते हैं ना, भले ही वो शरणागत में आने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन ही क्यों नहीं हो। तो भारतीय जनता पार्टी एक देशहित में सोचने वाली पार्टी है जो परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ शुरू से रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार परिवारवाद पर अटैक करते रहे हैं, और यही कारण है कि वो आज के डेट में भारत देश के एक ऐसे नेता हो गए हैं जो जन जन तक पहुंच गया है, हर दिल व्यक्ति के दिल में पहुंच गया है। इसका कारण बस एक ही है कि वो हमेशा देशहित की बात।
सर, इस बार की जो चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी आम लोगों से सजेशन ले रही है, और आपने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि जब डीसी साहब ने जब ट्रैफिक के ऊपर सजेशन मांगा था तो आपने भी सजेशन दिया था, क्योंकि आपने इस जगह को देखा है। तो सर, आम लोगों का भी सजेशन और जो जमशेदपुर की भी जो समस्या है आगामी चुनाव में, मैनिफेस्टो में पार्टी उनको बोली कि दो तीन सजेशन हम भी सेलेक्ट करेंगे, तो क्या जमशेदपुर की जो समस्या है क्या उनको प्लेटफॉर्म में रखेंगे जो मैनिफेस्टो बनने वाला है? बिल्कुल, जमशेदपुर की हम समझते हैं कि सबसे बड़ी एक समस्या है वो ट्रैफिक तो एक समस्या है ही, हमेशा जाम लगी रहती है, यहाँ एलिवेटेड कॉरिडोर बनने की जरूरत है। दूसरी एक समस्या है कि यहाँ के युवाओं को डोमिसाइल नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के आप राज्य सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं 1932 का खतियान या जो भी खतियान रिलेटेड नीति है सरकार की, वो नीति बाकी जगहों पर लागू हो सकती है, लेकिन जमशेदपुर अगर आप देखेंगे तो जमशेदपुर शहर के अगर खरकई ब्रिज के बाद से टेलको तक देखें तो ये पूरे टिस्को का शहर है। यहाँ पर किन्हीं के पास अपना खतियानी जमीन नहीं है, तो अगर यहाँ 12 लाख 13 लाख पॉपुलेशन रहते हैं तो वो कहाँ से खतियान लाएंगे? ये हम लोग भी जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, टाटा लीज की जमीन है, अधिकांश टाटा लीज की जमीन पर, आदितपुर जो पूरी बसी हुई है ये सब गवर्नमेंट के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बसी हुई है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये, तो आदितपुर से लेकर के और टेलको तक यहाँ पर अपना खतियानी जमीन बहुत कम लोगों के पास है। तो यहाँ के नौजवान जो 125 साल से इस शहर में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1907 में टाटा स्टील आया है, उसके पहले 1904 से ही यहाँ काम शुरू हो गया था, अंग्रेजों के जमाने में टाटा स्टील बना है, भारत देश के आज़ाद होने के 25 साल पहले बना है। अब भारत देश के आज़ाद होने के अगर आप सोचें तो 1947 में हम आज़ाद हुए, अगर 1904 में ये टाटा स्टील यहाँ आया, 1907 को भी अगर आप मान लें जिस दिन से प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो 40 साल पहले आया आज़ादी के, तो आज़ादी के 40 साल पहले से जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है उसको आप कैसे बाहरी कहेंगे? तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस पर एक स्पष्ट नीति बनाए कि जो भी इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ पर जो व्यक्ति जन्म लिया है, जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है, जिसके माता पिता वहाँ रह रहे हैं, वो सभी वहाँ के डोमिसाइल हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हम राजीव रंजन जी से हर समय चाहेंगे कि इनसे इंटरव्यू लिया जाए और इनकी जो विचार है, इनकी जो सोच है जनता के प्रति दिखाया जाए, क्योंकि राजनीति करना अलग जगह, लेकिन इनका एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक यह नहीं होता है कि सत्ता में विधायक बन जाना, सांसद बन जाना। जमशेदपुर की समस्या चाहे राष्ट्रीय समस्या हो चाहे राज्य स्तरीय समस्या हो, बहुत ही सूझबूझ के जवाब देना इनकी यही काबिलियत है, और हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में राजीव रंजन जी ने एक अलग पहचान बनाएंगे, और यह कोशिश रहेगी कि हमारे तरफ से कि आप इस जमशेदपुर नगर के जरूर जनप्रतिनिधि बने। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।